बिजली का बहरान बढ़ता जा रहा है और माहे मुबारक के इस मुकद्दस महीने में भी लोगों को शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम नहीं की जा रही है। सरकार का दावा था कि पावर जनरेशन कैपेसिटी को हमने बढ़ाया है और हमें उम्मीद थी कि शायद इस साल जो है लोगों को शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम की जाएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। सहरी और इफ्तारी के वक़्त तक भी लोगों को जो है बिजली फराहम नहीं की जा रही है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, मैं सकत कुपवाड़ा में हूँ और कुपवाड़ा के कई इलाकों में पिछले 48 घंटों में से सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे बिजली फराहम की गई और शहरी इलाकों में जो सुनने में आ रहा है 2 या 3 घंटे की बिजली फराहम की गई है। और जो पीक आवर्स जो हैं और जो ख़ास जो वक्त है जो शहरी का है, इफ्तार का है, तरावी का है, उस वक्त जो है बिजली फराहम नहीं की जा रही है। सरकार का कहना है कि हमारे पास इस वक्त जो दरकार जो 1600 मेगावाट है उसमें से सिर्फ 1100 मेगावाट हमारे पास अवेलेबल है। अगर 1100 मेगावाट भी अवेलेबल है तो क्या 1100 मेगावाट में से वो ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह से जो दही इलाके जो है उनको कम अज कम इफ्तारी और सहरी के वक्त जो है वो बिजली फराहम की जाए। और जो शब कदर का की मुकद्दस रात आने वाली है, शब बेदारी लोगों को करनी है, लेकिन अभी खर्चा ये है कि बिजली ही नहीं है कि रात के गुप अंधेरे में बैठ के शब बेदारी करनी पड़ेगी। कई इलाकों से हमको फ़ोन आ रहे हैं कि किस तरह की सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। सरकार टस से मस नहीं हो रही है, सरकार अपनी पीआर कैंपेन में लगी हुई है, मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही है, लेकिन कोई कंक्रीट चीज़ जो है वो सामने नहीं आ रही है जिससे कि लोगों को ये उम्मीद बने कि कम अज़ कम जो है इफ्तारी और सहरी के वक़्त उन्हें बिजली फराहम की जाती है।